अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू थिंक बट्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अच्छा जी, कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट ज़रूर हो गई है, मगर आज की वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा मास्टर केस जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या खर्चा आया, क्या इसका प्रोसेस था, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सारे प्रोसेस के ऊपर जो है वो हर स्टेप के ऊपर मैंने वीडियोज़ इसकी बनाई हुई हैं, और ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो आपने इन्जॉय करनी है, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका लुक भी दिखा देता हूँ। बाहर का लुक आप माशाल्लाह से देख चुके हैं कि इसका बाहर का लुक, इस साइड का भी लुक देख सकते हैं आप। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों सीमेंट, रेती, बजरी, ब्लॉक, ये सारा मटेरियल जो है वो आ चुका है और काम होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, आप माल बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये लगनी कहाँ पे है। एक्चुअल में जो पीछे वाली दीवार थी, जो आपने अक्सर वीडियोज़ के अंदर देखी होगी, उस दीवार को हमने ऊपर तक बनाना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ये छोटी छोटी दीवारें जो है वो दोनों साइड के ऊपर बनेंगी। ये दीवारें बनना क्यों ज़रूरी हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको ये बनवानी चाहिए या नहीं, ये सारी डिटेल मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर चुनाई का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखें आप, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दीवार भी बन चुकी है और हमारी पीछे वाली दीवार भी पूरी लेवल ऊपर तक बन चुकी है। अब जो है वो इसके ऊपर प्लास्टर का काम स्टार्ट होगा। प्लास्टर का काम करने के बाद इसके ऊपर कलर किया जाएगा, और कलर करने के बाद मैं आपको लुक दिखाता हूँ कि इस दीवार का लुक कैसा नज़र आएगा। माशाल्लाह से देखें क्या खूबसूरत लुक आया है। हमारा प्लास्टर होने के बाद, कलर होने के बाद ये बाउंड्री भी हमारी सारी तैयार हो चुकी है, और पीछे दीवार और साइड में जो दीवारें मैंने आपको बताई थी वो भी तैयार हो चुकी हैं। अब जो फ्रेम बनेगा वो फ्रेम जो है वो मास्टर केज का इसके ऊपर फिट होगा, इस बाउंड्री के ऊपर फिट होगा। अच्छा जी, अब बाकी मटेरियल भी जो है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीट्स आ चुकी हैं जो कि ऊपर लगेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर देखें आप, जालियाँ आ चुकी हैं। ये 14x16 की जाली है, 6 फिट और 4 फिट के साइज़ में है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर पाइप भी आ चुके हैं। पाइप जो है वो हमने चकोर वाले लिए हैं, बिल्कुल 18 गेज के पाइप हैं ये। अच्छा जी, जो कि वेल्डिंग वगैरह में सही रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और जो हमारे पिलर बनेंगे तो वो उसका जो साइज़ है वो 1.5x1.5 का है, और बाकी जो फ्रेम बनेगा वो हमारा 1x1 का बनेगा। और यहाँ पर देखें आपके माशाल्लाह से वेल्डिंग का वर्क जो है वो शुरू हो चुका है। सारी मेजरमेंट जो है वो लेके काम किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। प्रॉपर काम किया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई मिसअप नज़र ना आए, और ये बनने के बाद जो है वो एक अच्छा लुक दे और पायदार भी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेम जो है वो, ये पहला फ्रेम तैयार हो गया है, और अब इसके ऊपर जाली लगाई जा रही है। जैसा मैंने बताया, इस जाली का साइज़ जो है ये 4 फिट वाली जाली है, और 4 फिट नीचे इसी तरह 4 फिट जो है वो उस तरफ लगेगी। उसी हिसाब से हमने इस फ्रेम को डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों जाली का जो मैक्सिमम साइज़ आता है वो 7 फिट का आता है। 7 फिट की अगर हम जाली लेंगे और उसके बाद उसमें 2 फिट अलग से लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी। इसी वजह से हमने 4 फिट की जाली ली है। ये बुरी भी नहीं लगेगी, और ये दोनों तरफ से वेल्ड भी हो जाएगी और पक्की भी हो जाएगी। अच्छा जी, जाली लगने के बाद जो है वो इसके ऊपर एक पट्टी भी लगती है लोहे की, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि वो लगाना क्यों ज़रूरी है। अच्छा जी, साइज़ की बात की जाए तो यानी कि इसके जो खाने हैं वो कितने बड़े हैं, तो ये पौने की जाली कहलाती है। इसके अंदर आधे की भी आती है, एक की भी आती है। अच्छा, एक की जाली लगाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप फिंचेज वगैरह को फ्री फ्लाई छोड़ेंगे तो वो उसके अंदर सर वगैरह फंसा सकती हैं या उनके बच्चे उसमें से निकल सकते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो ये वाला साइज़ है।
अच्छा जी, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के, मास्टर केज क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्या आपको मास्टर केज लगाना चाहिए या नहीं। अब मैं सिंपली बताऊं तो 70-80% ऐसे लोग हैं जो कि हॉबी के अंदर शौक करते हैं और अपना सेटअप छतों के ऊपर बनाते हैं, और जिन लोगों का सेटअप भी छतों के ऊपर है वो मेरी इन बातों से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आती हैं कैट्स, बिल्लियां जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और ख़ास तौर पर डफ की ये खुली दुश्मन है, डफ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लाजमी इसके ऊपर हमला ज़रूर करती हैं। अगर आप पैक भी कर देंगे तब भी जो है वो रात बिरात जो है वो आके इनके ऊपर हमला करती हैं और बर्ड जो है वो सारे आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ासतौर पर डफ की ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। दूसरी चीज़ है कौवे, कौवे भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बर्ड्स को, जो है वो अटैक भी करते हैं। स्पैरो फैमिलीज़ वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो लाजमी उसके ऊपर अटैक भी करेंगे। अगर बच्चे जो है वो केजेस के साइड में आ जाते हैं और अगर उन्हें दिख रहे होंगे तो वो लाजमी चोंच से उसको बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, पड़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं, बर्ड्स भी बास टाइम ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा मेरे सेटअप के ऊपर गिलहरियाँ भी बहुत आती हैं और वो केजेस के बीच में जो है वो घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से भी बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं। ऑल्दो मैंने कभी इनको नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा, मगर ये है कि इनकी वजह से भी बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं। और इन सारी चीज़ों के अलावा बर्ड जो है वो अक्सर लव बर्ड वगैरह, रिंगनेक वगैरह जो है वो केजेस खोल के निकल जाते हैं। आप जो है वो अगर केज के अंदर तार भी बांध दें तब भी अगर आप दाना पानी करने के लिए जो बर्तन निकालेंगे उस टाइम भी वो उसमें से निकल सकते हैं, और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है कि काफ़ी परिंदे मेरे इस तरह उड़े हैं। अगर शुरू से देखा जाए तो काफ़ी परिंदे मेरे इस तरह भी निकले हैं जो कि खुद ही केज खोल के निकल गए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप दाना पानी जो है वो किसी फैमिली मेम्बर के जिम्मे लगा देते हैं तो उनसे भी अक्सर ऐसा होता है कि केज खुला रह जाता है, जिसकी वजह से भी बर्ड जो है वो उड़ जाता है। और अगर आपका एक पेयर आपने बड़ी मुश्किल से बनाया है और उसमें कोई भी एक जो है वो उड़ जाता है तो आपका पेयर जो है वो ख़राब हो जाता है और आपका टाइम भी जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हमारे जो फ्रेम है वो तैयार हो चुके हैं और अब इनके ऊपर रेड ऑक्साइड किया जा रहा है। रेड ऑक्साइड करने की वजह यह है कि आपको पता है कि कराची के अंदर ज़्यादातर नमी वाली हवा चलती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो है वो जंग आ जाता है, और जंग आने की वजह से इसकी लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसकी वजह से पहले जो है वो इसके ऊपर हम रेड ऑक्साइड लगाएंगे पूरा, उसके बाद इसको फिट करेंगे। ये देखें, रेड ऑक्साइड यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरी जगह के ऊपर भी रेड ऑक्साइड का काम चल रहा है। अच्छा जी, रेड ऑक्साइड लगाने के बाद इसके ऊपर जो है ये इसको फिट किया जाएगा, और जब कंप्लीट फिट हो जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर कलर किया जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि जाली लगने के बाद पट्टी लगती है, ये देखें, ये लोहे की पट्टी लगती है। इससे जाली अगर आपकी निकलती भी है यानी कि वेल्डिंग हटती भी है तब भी जो है वो ये लगी रहेगी, मजबूत रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। दूसरी चीज़ कि अगर जाली के थोड़े से नोके वगैरह भी निकलती हैं तो वो भी इसमें नहीं निकलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ्रेम जो है वो हमने यहाँ पर रख दिया है, और अब यहाँ पर इसको हम लगा देंगे। देखें, रेड ऑक्साइड इस पर हर तरफ से हुआ हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो ड्रिल करके हमने कीले लगाई हैं और कीले लगा के हमने इसको वेल्ड कर दिया है। ये देखें, यहाँ से भी ये वेल्ड है, और इसी तरह जो है वो अब ये बाहर से भी जो है हम इसको वेल्ड कर देंगे। पॉइंट जो है हम चेंज रखेंगे, जो अंदर वाले पॉइंट हैं उससे हट के जो है वो बाहर वाले पॉइंट पे लगाएंगे, वरना हमारे जो बेस है वो कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा जी, फाइनली जो है वो माशाल्लाह से हमारे सारे फ्रेम लग चुके हैं, देखें बिल्कुल प्रॉपर तैयार हुए हैं, और अब जो है वो शीट्स लग रही हैं। अच्छा, ये जो ऊपर आप फ्रेम देख रहे हैं ये हमारे ग्रीन नेट का फ्रेम है, जो अक्सर आपने वीडियोस में भी दिखा होगा कि ऊपर जो है वो ग्रीन नेट लगा हुआ था। इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ऊपर थी, इस वजह से हमने इतनी ऊपर लगाना भी नहीं था, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अभी भी देखें, कुछ दिन पहले अभी हवा चली थी जिसकी वजह से ये सारा जो है वो फट गया है। इसे भी रिपेयर कराना है, कुछ दिन में इसे भी हम इंशाल्लाह रिपेयर करा लेंगे।
और आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, मगर हमारी शीट्स माशाल्लाह से सारी प्रॉपर लग चुकी हैं। अब बाकी काम इंशाल्लाह कल स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये। बस सिर्फ दरवाज़ा जो है वो इसका तैयार हो रहा है, अभी दरवाज़ा तैयार होकर भी इंशाल्लाह इसमें लग जाएगा। फाइनली दरवाज़ा भी तैयार हो गया है, दरवाज़ा बेल्ट हो रहा है, इसके बाद इसके ऊपर कलर किया जाएगा और उसके बाद हमारा केज तैयार है। माशाल्लाह से ये देखिए आपके ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रेड ऑक्साइड में भी बहुत अच्छा लग रहा था और वाइट कलर के अंदर भी ये और खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था ये जो साइड्स में मैंने दीवारें बनवाई हैं इसकी वजह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम जो है वो कितनी खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर फिट हुआ है। हमारे जो सारी ग्रिल हैं वो इसके ऊपर कितनी अच्छी तरीके से फिट हो गई हैं। यही वजह थी कि इनको अलग से बनवाने की, ताकि हमारा मास्टर केज जो है वो खूबसूरत नज़र आए। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर हमने हुक भी लगवाए हैं, ताकि हम सर्दियों के अंदर जो है वो इसको कवर कर सकें। अब ये हिस्सा तो जो है वो बाहर की साइड का है, तो इसे अंदर से कवर किया जाएगा। यहाँ पर भी अंदर हुक इसी तरह लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। बाहर भी इसी तरह हुक्स लगे हुए हैं, ताकि सर्दियों के मौसम में इसको अच्छी तरीके से कवर किया जा सके। चाहे हम शीट से करें या तरपाल वगैरह से करें, हम किसी भी लिहाज से इसको अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ के देखें, वैसे तो वेंटिलेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हवा काफ़ी होती है, फिर भी ये जो आप देख रहे हैं ना गेट के ऊपर, ये मैंने 1.5x1.5 इंच की नाली के अंदर लगवाए हैं, ताकि अगर एग्जॉस्ट फैन कभी लगाना पड़े तो यहाँ पर हम आसानी से लगा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, रेट के हवाले से बात करें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, एक और मैं इसका पार्ट टू बना दूंगा, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको रेट जो है वो कोट कर दूंगा हर चीज़ के, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो नई ली गई हैं, पुरानी के रेट जाहिर सी बातें अलग होते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के एक एक चीज़ के जो है वो मैं रेट प्रॉपर करंट जो रेट चल रहे हैं वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दिएगा, वरना आप लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।